नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 9 में। मैं अक्षय तिवारी आपका तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूँ। झाबुआ जिले के राणापुर के हर्षित अग्रवाल की हुई वतन वापसी। मेघनगर रेलवे स्टेशन पर रोटरी क्लब अपना व भारतीय पत्रकार संघ ने स्वागत किया। हर्षित इटली के रोम में एसिड अटैक के शिकार हुए थे, जिसमें वो बच गए व उनके पासपोर्ट, जरूरी कागजात व रुपए आदि छीन लिए गए थे। वहां उन्होंने विदेश मंत्रालय व भारत सरकार के दूतावास से ट्विटर के जरिए मदद मांगी। रोम सरकार व भारत एम्बेसी के प्रयास से अपने गृह नगर हेतु मेघनगर पहुंचे, जहां परिवार व नागरिकों व भारतीय पत्रकार संघ व रोटरी क्लब के सदस्यों ने पगड़ी व हार पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर वह मीठा मुंह भी कराया व परिवार जन से मिले। रविवार सुबह मुंबई देहरादून से मेघनगर पहुंचे। हर्षित ने आप बीती व FIR व पासपोर्ट भारत सरकार का व विदेश मंत्रालय का भी सहयोग हेतु मोदी सरकार को भी धन्यवाद किया। जो हमारे एमबी टीम में जो विपन सर है और एम्बेसडर मैंने, उन दोनों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जब वो सारे पासपोर्ट वगैरह लूज हुआ था तो उस समय पे सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन यही था कि यूरोप में हुआ है, पासपोर्ट चला गया है, सारा पैसा चला गया है, तो अब मुझे क्या करना होगा। और वो सारी चीज़ें जब चल रही थी, माइंड में चार चैलेंजेस थे कि मुझे अभी फैमिली को इन्फॉर्म करना है क्योंकि मेरे पास मोबाइल में बैटरी चार्ज नहीं है और सारी चीज़ें जा चुकी हैं। पुलिस को कंप्लेन करना है, मेट्रो पुलिस में जाकर के कंप्लेन करना होगी, एयरलाइंस का टाइम हो रहा है तो फ्लाइट मिस होने वाली है, तो वो मुझे अभी इन्फॉर्म करना है। इसी के साथ में मुझे एम्बेसी तक जाना है और एम्बेसी इटली में कहाँ पर लोकेटेड है, अगर रोम में है तो रोम में कहाँ पर है और किस तरह से मुझे वहाँ जाना होगा। उससे ज़्यादा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि टाइमिंग, क्योंकि टाइम ऑलरेडी 2 बज चुका था और एक ये ऑफिशियल हम लोग देखते हैं कि 5 बजे सारे ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स हमारे बंद होते हैं, तो उसी बीच में मुझे ये चारों चीज़ें करना है, तो उसके मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने पापा को वहाँ से मेट्रो में किसी से हेल्प लेकर के कॉल किया और ये इन्फॉर्म किया कि इस तरह का दुर्घटना हुआ है। और ट्विटर पर जाने से पहले, क्योंकि ट्विटर पर मैंने अक्सर देखा है कि इस तरह का अगर कुछ भी एक्शंस होते हैं तो हेल्प मिलती है, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले ये था कि अगर एम्बेसी को मैं ट्वीट भी करता हूँ तो वो एक्शंस किस बेसिस पे लेंगे। मेरे पास में एटलीस्ट पुलिस FIR होना चाहिए कि इस तरह का हुआ और उसमें पुलिस क्या एक्शंस ले पा रही है। तो सबसे पहले जाकर के तुस्कोलोना मेट्रो पर ये सब दुर्घटना हुई, वहाँ से मेट्रो स्टेशन का जो हमारा एयरपोर्ट पर मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर इसका पूरा कंप्लेन हुआ। वहाँ से उन्होंने बताया कि आप क्योंकि रोम से नहीं है, इटली से नहीं है, आपका इंटरनेशनल इस पर केस होता है तो आपको क्रिमिनल डिपार्टमेंट में इसका इन्फॉर्मेशन देना होगा। और वहाँ से जाकर के क्रिमिनल डिपार्टमेंट में पूरा FIR किया। वहाँ पर उन्होंने बहुत पेशेंटली उस चीज़ को सुना और मुझे एम्बेसी का एड्रेस वहाँ से उन्होंने पूरा दिया कि आपका इंडियन एम्बेसी यहाँ पे लोकेटेड थी, आपको यहाँ पे जाना चाहिए। और उसके बाद में उन्होंने ये सजेशन दिया कि एक बार आप एटलीस्ट जाकर के एयरलाइन से बात करिए, इन केस अगर एयरलाइंस अगर कुछ कर पाती है तो आपके सबसे हेल्पफुल होगा कि एटलीस्ट आपको वापस से नए सिरे से पूरी बुकिंग नहीं करना होगी। मेघनगर से जाकिर हुसैन की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ खबर 9।